सीबीएसई ने बोर्ड क्लासेस के लिए सेशन 2020-21 के लिए नया पैटर्न उन्होंने दिया है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, उसको हम आज डिस्कस करते हैं हमारी इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, जो सिलेबस है उसको लास्ट ईयर की तरह रैशनलाइज कर दिया जाएगा, कुछ टॉपिक उसमें से रिमूव कर दिए जाएंगे और उसका जो डिटेल्ड रैशनलाइजेशन है वो जुलाई में ही आपको मिल जाएगा, सीबीएसई उसको बता देगा। दूसरी चीज, जो आपका मेन फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट हुआ सीबीएसई का, उसको एक बार उन्होंने तीन मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, मतलब जो मेन तीन चीजें उसको अफेक्ट करेंगी। पहली चीज है इंटरनल असेसमेंट आपकी जो पूरा साल होगी, दूसरी चीज टर्म वन एग्जामिनेशन, टर्म टू एग्जामिनेशन। अब ये तीनों चीजें हैं क्या, इनको थोड़ा डेप्थ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है इंटरनल असेसमेंट क्या होने वाली है। इंटरनल असेसमेंट का सीधा सा मतलब है जो पूरे साल आप लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा, आपकी असेसमेंट होगी, उसमें क्या क्या आएगा। क्लास 10th के लिए तीन पीरियोडिक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, प्रोजेक्ट होंगे। क्लास 12th के लिए आपके टॉपिक एंड में जो टेस्ट हो रहे हैं या फिर यूनिट टेस्ट हो रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, उन सबको मिलाकर इंटरनल असेसमेंट बनाई जाएगी। अब इंटरनल असेसमेंट इस बार एक अहम रोल निभाने वाली है इस बार के फाइनल एग्जाम्स में बोर्ड में, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जो है सीबीएसई दोबारा से बताएगा कि किस तरह से क्या क्या उसमें पार्ट्स होंगे, वो भी जुलाई के में ही आपको मिल जाएगी डिटेल्ड उसकी सीबीएसई की तरफ से। अब थोड़ा समझते हैं जो नई चीजें आई हैं, टर्म वन एग्जामिनेशन और टर्म टू एग्जामिनेशन क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सीबीएसई ने क्या किया, इस साल के पूरे के एंड में हम लोग एक बार एग्जाम्स लेते थे, उस बार उन्होंने कहा कि बीच में एक ब्रेक लेते हैं, एक पार्ट यहाँ तक 50% का हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद का जो बचा हुआ है उसको 50% पार्ट को बाद में कवर करेंगे। उन्होंने क्या किया, पूरे सिलेबस को 50% के दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। 50% सिलेबस आपका एक पार्ट में आएगा टर्म वन एग्जामिनेशन में, और बचा हुआ 50% आपका सिलेबस जो है टर्म टू एग्जामिनेशन में आएगा। टर्म वन एग्जामिनेशन और टर्म टू एग्जामिनेशन को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। टर्म वन एग्जामिनेशन जो है वो आपकी नवंबर दिसंबर के आसपास होंगी, इस बीच में होंगी। वहां पर आपका 90 मिनट्स का एक एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अजम्पशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, उसी के बेस पर आपकी असेसमेंट होगी। उस वहीं पर टर्म टू एग्जामिनेशन में क्या होगा, वो मार्च अप्रैल के करीब होंगे, तो जो बाद का बचा हुआ 50% है सिर्फ वो सिलेबस उसमें आएगा, और उसमें आपकी जो एग्जामिनेशन है 2 आवर्स की होगी, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, उसमें आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ओपन एंडेड सब तरह का जैसा नॉर्मल पेपर होता था। डिफरेंस क्या है, सिर्फ बाद का 50% सिलेबस उसमें आने वाला है। अब इस प्लानिंग के बीच में, क्योंकि हमें नहीं पता अगले आने वाले पूरे सेशन में कोविड की क्या सिचुएशन रहने वाली है, कब वो अपने पीक पर होगा, थर्ड वेव की जो बातें हो रही हैं, कब किस टाइम पर वो सब होगा, तो इसके लिए सीबीएसई ने 4 प्लान्स बनाए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी। हम उन चारों को समझने की कोशिश करते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगी। केस नंबर 1, अगर सब कुछ बिल्कुल सिचुएशन ठीक रही है, टर्म वन एग्जामिनेशन के टाइम पर भी आप लोग स्कूल आकर अपना एग्जाम दे पा रहे हैं, टर्म टू के टाइम पर भी एग्जाम नॉर्मली दे पा रहे हैं, उस केस में क्या होगा, आपका जैसे अभी मैंने बताया 90 मिनट्स का एमसीक्यू होगा टर्म वन, और 2 आवर्स का आपका मेन क्वेश्चन पेपर होगा टर्म टू। दोनों के मार्क्स का इक्वल वेटेज लिया जाएगा, और इक्वल वेटेज के बेस पर आपके फाइनल मार्क्स डिसाइड करेंगे, आपका रिजल्ट बन जाएगा। इससे था हमारा प्लान ए। सिचुएशन नंबर 2, अगर आपका जो टर्म वन का टाइम, यानी कि नवंबर दिसंबर के बीच में कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है, पीक पर रहता है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाद में हमारा मार्च अप्रैल जब टर्म टू का एग्जाम होना तब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, उस केस में क्या होगा, टर्म वन का एग्जामिनेशन जो आपका होना है 90 मिनट्स वाला एमसीक्यू, वो सीबीएसई कह रहा है कि उसको आप बच्चे घर से देंगे, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जैसे भी है, आपके टर्म वन के मार्क्स वहां से आ जाएंगे। आपका टर्म टू का जो एग्जाम होना है, जो मेन ठीक टाइम पर है, मार्च अप्रैल में उधर कोरोना का कोई असर नहीं है, बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं, एग्जाम सेंटर डिसाइड होंगे, वहां पर एग्जाम दे पा रहे हैं, तो वो एज इट इज रहेगा, 2 आवर्स का क्वेश्चन होगा आपका, उसमें हर तरह के क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग केस स्टडी सब तरह के आएंगे। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो टर्म टू के मार्क्स और टर्म वन के मार्क्स के बेस पर ओवरऑल आएगा। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा कि आपकी जो टर्म वन है उसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा और टर्म टू का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, उस वेटेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये था प्लान बी। केस 3, नवंबर दिसंबर में टर्म वन के टाइम पर सिचुएशन नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन टर्म टू के टाइम पर मार्च अप्रैल में कोरोना का पीक आ गया, बच्चे नहीं आ पा रहे एग्जाम सेंटर में, स्कूल्स में, तो उसके लिए प्लान सी है हमारे पास, क्या होगा, टर्म वन का एग्जाम आपका ठीक हो गया, बिल्कुल 90 मिनट्स का एग्जाम ठीक आपने दे दिया एमसीक्यू के बेस पर,
टर्म टू पे अगर एग्जाम सेंटर्स नहीं अलॉट हो पा रहे हैं, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए सीबीएसई ने प्लान सी में क्या किया है कि टर्म टू भी आपका 90 मिनट्स का हो जाएगा, आपके पास एमसी क्वेश्चंस आ जाएंगे टर्म टू में भी। रिजल्ट कैसे बनेगा, रिजल्ट में आपकी इंटरनल असेसमेंट ली जाएगी, जो भी उसका गाइडलाइंस आपको मिलेगी जुलाई में, उस हिसाब से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लिए जाएंगे। आपके टर्म वन के मार्क्स, जो बिल्कुल ठीक टाइम पर हो गया था, सब कुछ ठीक था उस टाइम पर, उसके मार्क्स लिए जाएंगे और उसके बेस पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। ऑब्वियसली पॉलिसी में टर्म टू का जिक्र नहीं है प्लान सी के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर टर्म टू ले रहे हैं तो उसके वेटेज को भी कुछ परसेंट लिया जाएगा। अब जो वर्स्ट पॉसिबल केस हो सकता है, केस फोर्थ, टर्म वन के टाइम पर भी कोरोना कुछ गड़बड़ है, आपको नहीं एग्जाम दे पा रहे, टर्म टू के टाइम पर वन और टू दोनों में आप स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? टर्म वन का एग्जाम भी आप जो है घर से देंगे अपना, होम से ही, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। टर्म टू का एग्जाम भी आप 90 मिनट्स एमसीक्यू घर से या स्कूल से, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हो गया। अब रिजल्ट कैसे बनेगा, यहां पर आपका इंटरनल असेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सिचुएशन में। आपका इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपका फाइनल मार्क्स बनेंगे और उसमें जो टर्म वन और टर्म टू के आपके मार्क्स हैं उनको यूज किया जाएगा मॉडरेशन के लिए। तो तीनों मार्क्स को एक तरह से मिलाकर फिर आपकी फाइनल वेटेज बनेगी। ये आपका प्लान चार ए बी सी डी थे आपके। अब बात यह है कि अभी उन्होंने एक बड़ा बड़ा आउटलाइन दिया है सीबीएसई ने कि अगर पॉसिबिलिटीज जो भी है उन सारों पॉसिबिलिटीज में हम कैसे कैसे डील करने वाले हैं। इनकी इन डेप्थ गाइडलाइंस जो है, इंटरनल असेसमेंट हो जाए, टर्म वन टेस्ट हो चाहे टर्म टू टेस्ट हो, उनकी गाइडलाइंस प्रॉपर सीबीएसई देगा। मेन पॉइंट जो अभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम में है उनके लिए जो है बात है आपके इंटरनल असेसमेंट की, यानी कि आपके स्कूल में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट हो, आपके क्लास टेस्ट हो, आपके टॉपिक एंड टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए, प्रैक्टिकल्स को, प्रोजेक्ट को, सब कुछ, क्योंकि हम नहीं जानते एक साल बाद पूरे साल सिचुएशन क्या रहेगी। तो इंटरनल असेसमेंट कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस मैटर। थैंक यू।